हेलो गाइस, CSS PMS गुरु के फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे एवरीडे साइंस लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द इको ऑफ बिग बैंग कैन बी हर्ड इन द फॉर्म ऑफ। बिग बैंग जो थ्योरी आप सबको मालूम होगा, और उसी एक कैटास्ट्रोफिक फेनोमेना की वजह से जो इको पूरी यूनिवर्स में पाई जाती है, तो वो उस इको जो है वो कौन सी फॉर्म में हमें अब तक मिलती रहती हैं। तो उसका हमारे पास ऑप्शन है, क्या वो कॉस्मिक रेज के फॉर्म में होती हैं, या गामा रेज के फॉर्म में होती हैं, या माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में होती हैं, या इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म में हमें मिलती हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स। तो यही बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग फेनोमेना से जो इकोज हमें सुनाई देती हैं, वो माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स की फॉर्म में हमें मिलती हैं। तो बिग बैंग थ्योरी को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो व्हेन कैटाक्लिज्मिक एक्सप्लोजन टुक प्लेस। एक कैटाक्लिज्मिक एक्सप्लोजन हुआ था कोई 15 से 20 बिलियन ईयर्स अगो, उसी वजह से यूनिवर्स जो है वो वजूद में आई थी। और ये प्रेजेंट किया था जॉर्ज लेमेटर 1927 में। और ये जो बिग बैंग टर्म है, बिग बैंग की जो टर्म है वो कॉइन किया था, वो हमें बताया था फ्रेड हॉयल ने। और उन्होंने कोई 1949 में बीबीसी के रेडियो ब्रॉडकास्ट में ये टर्म यूज़ किया था। और इको जो है, द इको ऑफ द एक्सप्लोजन कैन स्टिल बी हर्ड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द 3K माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द 3K माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो आगे देखते हैं, 3K माइक्रोवेव डिटेक्टेड बाय, ये किसने डिटेक्ट किया था? तो ये दो बंदे थे, आर्नो पेंजियास और दूसरा रॉबर्ट विल्सन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो फंडामेंटल बुनियादी जो यूनिट है वो क्या है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टार, प्लैनेट्स, मेटियोराइट्स, गैलेक्सी। तो इसका आंसर है गैलेक्सी। गैलेक्सी इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि द यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, एवरीथिंग दैट हैज़ एग्जिस्टेड, एंड एवरीथिंग दैट विल एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू आवर करंट अंडरस्टैंडिंग, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ स्पेस टाइम, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, एंड द फिज़िकल लॉज दैट रिलेट टू देम। एंड आगे हम देखते हैं कि गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी इज़ बेसिकली लार्ज एग्रीगेट ऑफ स्टार्स, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको स्टार्स मिलेंगे, गैसेस मिलेंगी, डस्ट एंड पॉसिबली सोलर सिस्टम्स होंगे विच हेल्प टुगेदर बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो आपस में हेल्प टुगेदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देयर आर हाउ मैनी शेप्स ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में टोटल कितने शेप्स में होती हैं गैलेक्सीज हमारे पास? तो इसके ऑप्शन हैं, क्या वो 2 अकसाम के होते हैं, 3 अकसाम के, 4 या 5? तो आंसर है हमारे पास 4 अकसाम के गैलेक्सीज या शेप्स ऑफ गैलेक्सीज हमारे पास होती हैं। तो वो ज़रा डिटेल्स में देखते हैं। पहला जो कस्म है हमारे पास वो कहलाता है स्पायरल गैलेक्सी, एंड दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट फ्लैटेंड स्पायरल डिस्क विद अ ब्राइट सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। आवर ओन मिल्की वेव इज़ ए स्पायरल गैलेक्सी। इसका हमने देखा कि स्पायरल गैलेक्सी जो है वो एक फ्लैटेंड स्पायरल डिस्क के मानिंद होता है, और उसके बीच में एक सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हमारा जो मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है वो बेसिकली एक स्पायरल शेप का है। और दूसरा जो किस्म है वो है बैड स्पायरल गैलेक्सी। अ बैड स्पायरल गैलेक्सी इज़ वेरी सिमिलर टू स्पायरल
विथ वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंट, ये हू ब हू हमारे स्पायरल गैलेक्सी जैसा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, थोड़ी सी डिफरेंस, वो क्या है, द टर्म्स सॉरी द आर्म्स स्पायरल आउट फ्रॉम अ स्ट्रेट बार ऑफ स्टार्स इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द सेंटर। ये जो इसके आर्म्स होते हैं ये सेंटर की तरफ होने के बजाय बाहर की तरफ होती हैं, बस यही इनका एक हमारे पास डिफरेंस है। जो थर्ड हमारे पास शेप है वो है एलिप्टिकल गैलेक्सी। एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर एलिप्टिकल गैलेक्सीज वेरी इन शेप फ्रॉम कम्प्लीटली राउंड टू एक्सट्रीमली एलोंगेटेड ऑल। ठीक है, दे हैव नो ब्राइट न्यूक्लियस एट देयर सेंटर। उसके सेंटर में कोई न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगी और वो मुख्तलिफ किस्म की होती है और बिल्कुल कम्प्लीटली आप उसको राउंड भी कह सकते हैं और राउंड टू ओवल इस बीच में एक अलग से किस्म में होते हैं, या वो ओवल में आपको मिलेगी या राउंड में मिलेगी। ओवल और राउंड के बीच में एक किस्म है और यह मुख्तलिफ इसी बीच में यह वेरी करता है और इसके कोई न्यूक्लियस ब्राइट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लास्ट में हमारे पास है इररेगुलर गैलेक्सी। ये आप नाम से ही इसको जान सकते हैं कि ये इररेगुलर होता है, कोई ख़ास इसकी एक किस्म शेप होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 24, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारा जो गैलेक्सी है उस का नाम क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा या एनजीसी 185, लास्ट में लार्ज मैजेलैनिक क्लाउड। तो आंसर है हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है उसको मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इज द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। ठीक है, एंड स्पायरल इन शेप, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया स्पायरल इन शेप, इसकी शेप जो है वो स्पायरल टाइप ऑफ शेप है और इसमें 11 स्टार्स विद द डायमीटर ऑफ 10.5 लाइट ईयर्स। ठीक है, और इसमें लास्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रीक लेजेंड द बेली बैंड ऑफ द मिल्की वे स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई इज मिल्क स्प्लिट फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द गॉडेस जूनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच इज़ द नियरेस्ट स्पायरल गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी। हमारा जो गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, इससे करीब तरीन गैलेक्सी कौन सा है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, आप ये ध्यान से पढ़ें, क्या वो मिल्की वे गैलेक्सी है। नहीं, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो हमारे गैलेक्सी का नाम है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी थर्ड ऑप्शन है, और स्मॉल मैजेलैनिक क्लाउड, एंड लास्ट इज़ द लार्ज मैजेलैनिक क्लाउड। तो इसका आंसर है हमारे पास एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी से करीब तरीन जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डिस्टेंस है अर्थ से 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स। ठीक है, और ये इसकी रेडियस जो है 110,000 लाइट ईयर्स, एंड स्टार्स जो है इसके अंदर 1 ट्रिलियन तक हैं, और इसकी टाइप है वो स्पायरल है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी मून्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द मरकरी। मरकरी के गिर्द कितने चांद जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 7, 0, 2, 21। तो इसका आंसर है हमारे पास 0। मरकरी के 0 चांद, या आप कह सकते हैं कि मरकरी का कोई चांद नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो इसकी डिटेल मैंने यहाँ लिखा है, आप नोट कर लें। मरकरी 0, वीनस 0, अर्थ का सिर्फ एक मून है, मार्स के 2 हैं फोबोस एंड डीमोस, जुपिटर के 67 हैं, सैटर्न के 62 हैं, और यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13 हैं, जिसमें से एक ट्राइटून भी मून, जो अक्सर ये भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज़ द सेम साइज एज दैट ऑफ अर्थ।
अर्थ के साइज का ही एक और प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो कौन सा प्लेनेट है? ऑप्शंस हैं मार्स, सेटर्न, वीनस, जुपिटर। तो इसका आंसर है हमारे पास वीनस। वीनस सेम साइज टू अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम में। तो वीनस के बारे में और भी पढ़ते हैं कि वीनस इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यू टू द क्लाउड्स। इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लाउड्स नज़र आएंगे और इन्हीं क्लाउड्स की वजह से ये पूरे सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लेनेट है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये प्लेनेट की बात कर रहे हैं और हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा जो है वो सन है, लेकिन सन हमारे पास एक स्टार है, ठीक है। तो ये सबसे प्लेनेट्स में से सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो ये भी है एक एमसीक्यूज है। और ये रोटेट क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट टू ईस्ट ये घूमता है, और ज़मीन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो ये क्लॉकवाइज है एंड नॉट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, और ये पूरे सोलर सिस्टम में आप कह सकते हैं ब्राइटेस्ट एक प्लेनेट है। हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं, आप याद रहे आपको। और ये अर्थ ट्विन्स भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये अर्थ के शेप का ही मतलब अर्थ के साइज़ का ही है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन्स कहा जाता है। और लास्ट में इसे इवनिंग या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो वीनस से रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज हमारे पास आ गए, और ये इंफॉर्मेशन आप डिटेल में पढ़ें क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट जो है वो सबसे छोटा है साइज से, साइज में, ठीक है। क्या वो प्लूटो है, मरकरी है, या वीनस, या लास्ट जुपिटर? तो इसका आंसर है हमारे पास मरकरी। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट साइज के लिहाज से सबसे छोटा प्लेनेट है। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है देन व्हाई नॉट प्लूटो, प्लूटो जो है वो क्यों छोटा नहीं है एज़ कम्पेयर टू मरकरी। तो ये प्लूटो जो है वो बेसिकली एक प्लेनेट नहीं है, जिसे ड्वर्फ प्लेनेट कहा जाता है। और ये 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि ये बेसिकली ड्वर्फ प्लेनेट है, मतलब जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं दूसरे प्लेनेट्स के, उनके साइज से भी ये छोटा है, इसलिए इसे ड्वर्फ प्लेनेट का दर्जा दिया गया है। तभी इसे आप एक प्लेनेट नहीं कह सकते। अगर इसे प्लेनेट का दर्जा दिया जाता तो ये सबसे छोटा प्लेनेट कहलाता हमारे सोलर सिस्टम में। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लूटो जो है वो छोटा प्लेनेट है, ले यहाँ पे हम ड्वार्फ प्लेनेट की बात नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च इनटू द अर्थ ऑर्बिट बाय नासा। फर्स्ट जो ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो कौन सा था जिसे पहली मरतबा नासा ने अर्थ के सरफेस पे, सॉरी ऑर्बिट में छोड़ा था? तो क्या वो मतलब कौन से ईयर में था, यहाँ उनका नाम नहीं पूछा जाता, और यहाँ पे ईयर पूछा जा रहा है। तो क्या वो 1920 में क्या छोड़ा गया था, 1945, 1965, या लास्ट 1975? तो इसका आंसर है हमारे पास 1965 में द फर्स्ट ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च इनटू द अर्थ बाय ऑर्बिट बाय नासा। तो इसके इसका जो नाम था वो इंटेल सेट वन था, और इंटेल सेट बेसिकली एब्रीविएशन था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इसका नाम रखा गया था अर्ली बर्ड। और ये फ्लोरिडा से नासा ने छोड़ा था अर्थ ऑर्बिट में, और ये 6 अप्रैल 1965 को छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन इज, कितने टाइम में जो, या आप कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लेता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या वो 4 मिनट 30 सेकंड लेता है, या 8 मिनट 15 सेकंड लेता है, 7 मिनट 15 सेकंड लेता है, सॉरी ये नन ऑफ दी से बेसिकली ये पिछले उससे पेस्ट हो गया है, तो आप इसको इग्नोर करें। तो इसका आंसर हमारे पास है 8 मिनट 15 सेकंड लेता है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट करेक्ट आंसर है। द सनलाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। प्रोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन नीड टू ट्रेवल अक्रॉस द वैक्यूम ऑफ स्पेस ऑफ अर्थ आवर आइज। द शॉर्ट आंसर इज दैट इट टेक्स सनलाइट एन एवरेज ऑफ 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ।
क्वेश्चन नंबर 31, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, मून और अर्थ के दरमियान कितना फासला है, क्या वो 340,000 किलोमीटर है, 385,000 किलोमीटर, 380,000 किलोमीटर या 39। तो इसका आंसर है 385,000 किलोमीटर का फासला है चांद और हमारे ज़मीन के दरमियान। तो चांद के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, चांद जो है इसकी डायमीटर 3,475 किलोमीटर है और इसकी जो मास है 1/100 ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के 100 गुना उससे छोटा आप कह सकते हैं ये इसकी मास है। और सरफेस टेम्परेचर 232 to 233 सेंटीग्रेड है और इसकी लेंथ जो है वो 27.3, लेंथ ऑफ ऑर्बिट 27.3 डे है, मतलब इसकी रोटेशन जो है सॉरी रिवॉल्यूशन जो है ज़मीन के इर्द गिर्द तो वो 27.3 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है और इसकी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और लास्ट में ये 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, इतनी पावर है कि एक छठा हिस्सा होता है ज़मीन का, जितना ग्रेविटी ज़मीन में है उतना 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे पावरफुल ताकतवर एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है या कौन सी है, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी है या केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी या विंड एनर्जी। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ताकतवर एनर्जी है यूनिवर्स में। तो इसके दो फॉर्म हैं, एक न्यूक्लियर फिशन है और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो इसका आगे हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। और क्वेश्चन नंबर 33 है, इन न्यूक्लियर फ्यूजन वी डैश द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर फ्यूजन में हम जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके साथ क्या करते हैं, उसको हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं या उसको हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन है, क्या वो हम स्प्लिट करते हैं, जॉइन टुगेदर करते हैं या सेपरेट करते हैं या हीट देते हैं। तो इसका आंसर है हम इसको स्प्लिट करते हैं, सॉरी यहाँ फिर मुझसे मिस्टेक हो गई, आप काइंडली इसको इग्नोर करें, यहाँ हम स्प्लिट न्यूक्लियर एनर्जी की जगह स्प्लिट लिखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ बेसिकली इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ आइदर अ न्यूक्लियर रिएक्शन और अ रेडियो एक्टिविटी डीके प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स लाइटर न्यूक्लाई, मतलब ये जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसे स्प्लिट करता है छोटे छोटे हिस्सों में, जिसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दिया गया, इन न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर एटॉमिक न्यूक्लाई आर कंबाइंड टू फॉर्म वन आर मोर डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लाई एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूजन का नाम देख के आप समझ जाते हैं कि फ्यूजन किया जाता है, यकजा किया जाता है जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं उसको, और ये सिर्फ और सिर्फ सूरज के अंदर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द एटम इज़ मेड अप ऑफ डैश डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक एटम जो है वो कितने अकसाम के पार्टिकल से मिलके बना है, क्या वो 3, 4, 2 या 1। तो इसका आंसर है हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके एक एटम बना है, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और क्वेश्चन नंबर 35, द अल्फा पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स ऑफ, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो किस चीज़ का एक कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स है, क्या वो एक प्रोटॉन्स का है, 2 प्रोटॉन्स का है, 3 प्रोटॉन्स का है या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास 2 प्रोटॉन्स का आपस में कॉम्पैक्ट क्लस्टर होने से अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं। इसका फिर आगे पढ़ें कि इन अल्फा पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ हीलियम एक्सेप्ट विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स गिव आउट अल्फा पार्टिकल्स व्हेन दे गो थ्रू अ काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव डीके नोन एज अल्फा डीके, ड्यूरिंग अल्फा डीके द एटॉमिक न्यूक्लाई रिलीजेस एन अल्फा पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 36,
बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग. अभी अल्फा पार्टिकल्स हमने पढ़ा, उसके बाद अभी बीटा पार्टिकल्स का देखते हैं कि बीटा पार्टिकल्स वो फास्ट मूविंग किन चीज़ों के फास्ट मूविंग, मतलब क्या वो प्रोटॉन्स की फास्ट मूविंग है या इलेक्ट्रॉन्स की फास्ट मूविंग है या न्यूट्रॉन्स की है. तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सबको पता है कि आउटर शेल में किसी भी एटम्स के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फास्टली मूव करते हैं, और इसके न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. ये हम आगे जाके भी पढ़ने वाले हैं. और फिर ये फास्ट मूविंग में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए आप जब फास्ट मूविंग की बात आएगी तो आपके जहन में आनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है. ठीक है गाइस, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. विच कंट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली फ्रॉम रिएक्टर्स. तो इसका आंसर है, सॉरी ऑप्शन से हमारा फ्रांस. क्या वो फ्रांस है जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है रिएक्टर से? क्या वो यूएसए है या इंग्लैंड है या लास्ट में नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है फ्रांस. फ्रांस ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है रिएक्टर से. ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स करेंटली ऑपरेट्स इन 31 कंट्रीज, मोस्ट इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया. द यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर वाइल फ्रांस हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई द न्यूक्लियर पावर. इसमें आप फिर कन्फ्यूज ना होना, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो यूएसए है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो फ्रांस है. ठीक है गाइस, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो यूएसए है, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो कंट्री जो है वो फ्रांस है. क्वेश्चन नंबर 38. जीगर काउंटर इज़ यूज टू डिटेक्ट. जो जीगर का काउंटर है वो किस लिए, किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है? क्या वो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, फोटॉन्स के को डिटेक्ट करने के लिए, रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए? तो इसका आंसर है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हम जीगर काउंटर यूज़ करते हैं. तो रेडिएशन का है, देयर आर थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ रेडिएशन. अल्फा, दीज आर फास्ट मूविंग हीलियम एटम्स जैसा हमने पढ़ लिया, और फिर बेटा आता है, फिर गामा आता है. तो उनको, इन रेडिएशंस को हम डिटेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीगर काउंटर के नाम से जानते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं. विच स्टेट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर. वो हमें पता है कि तीन चार बेसिकली हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, और उसमें से सबसे हाईली टेम्परेचर जो मौजूद होता है वो कौन सा होता है? क्या वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है या प्लाज्मा होता है? इन चार जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर हैं, इनमें से सबसे हाईली टेम्परेचर पर जब इसमें सबसे ज़्यादा जिसको आप हाईली टेम्परेचर रखोगे तो वो हमारे पास प्लाज्मा आ जाएगी. ठीक है, तो प्लाज्मा हमारे पास करेक्ट आंसर है. प्लाज्मा इज़ द फर्स्ट एवर साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा वाज मेड बाय द सर विलियम क्रूक्स इन 1879. ही कॉल्ड इट रेडिएंट मैटर इन द रेफरेंस टू क्रूक्स कैथोड रे ट्यूब इन 1928. अर्विंग लैंगमुइर गेव द नेम टू दिस फॉर्म ऑफ स्टेट. प्लाज्मा इज द रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूल बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू वेरी हाई एक्सटेंट. क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट MCQ आज के लेक्चर का. डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ. डॉप्सन किस चीज़ की यूनिट है? क्या वो ओजोन इन एटमोसफियर ओजोन की है, या वो रेडियो एक्टिविटी की, या लाउडनेस, या लास्ट में फ्रीक्वेंसी? तो इसका आंसर है ओजोन. ओजोन इन एटमॉस्फेयर. डॉप्सन को यूज़ किया जाता है, बेसिकली द बेसिक यूनिट है ओजोन जो है वो ओजोन की. और डॉप्सन यूज़ होता है ओजोन को मेजर करने के लिए, ओजोन की मकदार को जांचने के लिए डॉप्सन मेथड यूज़ किया जाता है. तो ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं. ओजोन लेयर इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. थ्री एटम से मिलकर बना है ऑक्सीजन के. ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे. प्रेजेंस इन स्ट्रेटोस्फीयर. ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट करता है जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं अर्थ की, और उसमें जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी. एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस. अल्ट्रावायलेट रेस से ये हमें
हिफाजत मुहैया करता है एंड इट प्रोटेक्टिव लेयर बिटवीन 15 टू 6 किलोमीटर या 23 किलोमीटर एबव सरफेस, सरफेस से कोई 15 से 60 किलोमीटर के बीचों बीच ये आपको मिल जाएगी एग्जैक्ट, जो एक साइंटिस्ट कहते हैं कि 23 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है एबव द सी लेवल, तो ये आपको वहाँ पे मेन ये लाई करती है। तो ये आज का लास्ट एमसीक्यू था हमारे पास और आज का सेशन लेक्चर हम यही अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको मुफीद हुई होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।